नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्जो एमपी न्यूज। इस समय आपके साथ मैं हूँ दिव्या अठवाल और इस वक्त हम मौजूद है वर्जो एमपी के न्यूज रूम में, जहाँ से हम आपको हर एक खबर से रूबरू करवाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोना अपडेट के बारे में। जी हाँ, कोरोना अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। वही मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में कोरोना का कहर लगातार ही जारी है। जी हाँ, वही मैं आपको बता दूं कि अनलॉक 4.0 की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच में भी कोरोना थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं कोरोना लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में कोरोना के 1672 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 1672 नए मामले सामने आए हैं। वही मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 68,000 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, 68,000 को भी पार कर दिया है, मतलब कि मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं थमने का नाम भी नहीं ले। वही मैं आपको बता दूं कि राज्य में कहां पर और किस जगह पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मौत हुई है और कहां पर और कितने जिलों में कितनी मौत हुई, उसी के बारे में आपको बता देती हूं कि आपको बता देती हूं सबसे ज्यादा जो मौत हुई है वो इंदौर में हुई है। जी हाँ, कोरोना से सबसे ज्यादा जो मौत हुई है वो इंदौर में हुई है, जहां पर 406 मौत हुई है। जी हाँ, 406 जो मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है कोरोना को लेकर। वही मैं आपको बता दूं कि भोपाल में 296 मौत हुई है, उज्जैन में 80 मौत हुई है, सागर में 55, जबलपुर में 88, ग्वालियर में 58 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, वहीं बुरहानपुर में 25 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, खंडवा में 23 एवं खरगोन में 28 लोगों की मौत हुई है। वहीं बाकी जो मौतें हैं अन्य जिलों में जो हुई है वो बता देती हूँ। वहीं ये बता देती हूँ कि जो अधिकारियों ने प्रदेश में गुरुवार को कोविड-19 के सबसे जो अधिक जो मौत का आंकड़ा बताया है वो 259 नए मामले बताए हैं, जो कि इंदौर में आए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में और भोपाल में 198 नए मामले सामने आए हैं, ग्वालियर में 246 नए मामले सामने आए हैं, जबलपुर में 129 नए मामले सामने आए हैं, उज्जैन में 46 नए मामले सामने आए हैं एवं रतलाम में 44 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोरोना की मौत का आंकड़ा बताया है, जहां पर सर्वाधिक जो मौत हुई है वो इंदौर जिले में हुई है। वही मैंने आपको बताया कि नए मामले भी सामने आए हैं, जहां पर आपको बताया इंदौर जबलपुर में कई जगहों पर नए मामले भी सामने आ रहे हैं। यानी कि कोरोना अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही अगर एक तरफ बात करें तो अनलॉक 4.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। वही रविवार का लॉकडाउन है वो भी अब खत्म कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी इन सबके बीच में भी कोरोना वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं कोरोना वायरस के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब कोरोना जो वायरस जो संक्रमण है वो कब तक थमता है। जी हाँ, तो ये था कोरोना को लेकर, कोरोना अपडेट को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वर्जो एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहे वर्जो एमपी न्यूज।